जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो वात पित्त और कफ तीन दोषों की बात जरूर आती है और इन तीन दोषों के बारे में लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। कभी कभार जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम समझ नहीं पाते कि ये किस दोष के इम्बैलेंस होने के कारण हुई है। दोस्तों आज मैं आपको स्पेसिफिकली पित्त दोष के बारे में बताऊंगा। अगर आपने आज की वीडियो को देख लिया तो आपकी कई बीमारियों का इलाज आपको आज मिल जाएगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा पित्त दोष ही इम्बैलेंस होता है और इसी दोष के कारण शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं। तो इसीलिए पित्त दोष को समझना बहुत आसान है, बस आप इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें कि कैसे पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। दोस्तों अगर आपको बाथरूम पीला आता है तो मतलब है आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है, अगर आपको खाना खाते समय गले में ज्यादा मिर्च महसूस होती है, या फिर आप कह लीजिए कि आपको शरीर पर ज्यादा खुजली होती है, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है, आपको ज्यादा पसीना आता है, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। पित्त दोष को आप आसान भाषा में तेजाब या फिर एसिडिटी कह सकते हैं। आपकी बॉडी में एसिडिटी होने का मतलब है पित्त दोष का बढ़ना। अब पित्त दोष बढ़ता क्यों है और इससे क्या बीमारियां होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो एल्केलाइन नहीं है, जो एसिडिक है, तो आपका पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। उदाहरण के लिए मिर्च मसाले, आप मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो आपका पित्त दोष इम्बैलेंस होगा। अगर आप चाय पियेंगे तो चाय भी एसिडिक है, इससे भी आपका पित्त दोष इम्बैलेंस होगा। तो इस तरह से हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। अब पित्त दोष इम्बैलेंस होने से कौन सी बीमारियां होती हैं ये थोड़ा मैं आपको बताता हूं। जब भी आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है यानी कि एसिड बढ़ता है, तो इस एसिड के बढ़ने से आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हॉर्मोन इम्बैलेंस होने से हॉर्मोन इम्बैलेंस से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज पित्त का रोग है क्योंकि डायबिटीज में हॉर्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है जो इंसुलिन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने से ही डायबिटीज होती है। तो अगर आपको पित्त दोष है तो आपको डायबिटीज होगी। इसके अलावा थायराइड की बीमारी, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड्स हैं जो थायराइड के हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब अगर ये थायराइड के हॉर्मोन्स कम या फिर ज्यादा रिलीज होते हैं तो ये भी थायराइड हॉर्मोन का इम्बैलेंस है, जिससे आपको थायराइड की बीमारी होती है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपके नजदीक किसी को भी थायराइड या फिर डायबिटीज है तो जाहिर है उसके शरीर में एसिड बनता है। वो इंसान हमेशा ये कहता रहता होगा कि मेरे शरीर में एसिड बहुत बनता है। वो एसिड की गोली खाता होगा, इनो पीता होगा, ऐसा कुछ ना कुछ वो जरूर करता होगा जिससे उसका एसिड शांत हो। इसके अलावा पित्त दोष बढ़ने से स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी पित्त दोष के बढ़ने से होती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कैंसर, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां पित्त दोष के बढ़ने से होती हैं। लेकिन जब भी आप डायबिटीज का इलाज करवाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, या कह लीजिए डॉक्टर आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है। अगर आप एसिडिटी का इलाज करते हैं तो डायबिटीज का इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में दोष को बैलेंस किया जाता है, ना कि बीमारी का इलाज किया जाता है। अब अगर आपको पित्त दोष को बैलेंस करना है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पित्त दोष को बैलेंस कर लिया तो आपके पित्त से जुड़े हुए सारे रोग, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, दाद, खाज, खुजली, किडनी स्टोन्स, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि पित्त दोष को बैलेंस कैसे किया जाए। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए हमारे घर की किचन में एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कि है अजवाइन। अजवाइन को हम दोपहर की सब्जी में कभी कभार डाल लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद सूखी सब्जी में अजवाइन डालकर टेस्ट ज्यादा आता है। लेकिन दोस्तों सूखी सब्जी में अजवाइन डालने का कारण टेस्ट नहीं, बल्कि दोपहर के समय हमारी बॉडी में पित्त का बढ़ना है। दोस्तों जैसे ही सूरज निकलता है हमारा पित्त दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। दोपहर के समय हमारी बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अजवाइन दोपहर के समय में खाना बहुत अच्छा रहता है, ताकि पित्त दोष को बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा अगर आप अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो इससे पूरा दिन आपका पित्त दोष बैलेंस रहेगा। यानी कि सुबह उठकर आपको बासी मुंह अजवाइन का पानी पीना है। अजवाइन का पानी बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप रात को बादाम को भिगोकर रखते हैं,
उसी तरह से ही आपको एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन को डालकर उसे भिगो कर रखना है। जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह बिना ब्रश किए आपको उस पानी को पीना है और अजवाइन को चबा कर खाना है। अजवाइन को खाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अजवाइन आपके शरीर के लिए अमृत का काम करेगी। दोस्तों इस तरह से अगर आप अजवाइन का पानी और अजवाइन को सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पीना शुरू कर देंगे तो इससे आपके ये सारे रोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इससे आपका पित्त दोष ही बैलेंस होगा और ये दोष बैलेंस होने से आपके 50 से ज्यादा रोग शरीर से गायब हो जाएंगे। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको अजवाइन का पानी कम से कम 2 से 3 महीने लगातार पीना है, क्योंकि बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं। उन्हें जब हम कोई रेमेडी बताते हैं तो वो 5-10 दिन तो बड़े जोश से उस रेमेडी को अपनाते हैं, उसके बाद जब उन्हें फायदा महसूस नहीं होता तो फिर उस रेमेडी को छोड़ देते हैं और हमें कमेंट करते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। दोस्तों जिस तरह से डॉक्टर से दवाई लाने पर डॉक्टर हमें दवाई को खाने का तरीका और समय बताता है, उसी तरह से ही आयुर्वेदिक औषधियों को लेने का भी तरीका और समय है। तरीके से और पूरे समय से उसे फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। 2 से 3 महीने अगर आप अजवाइन का पानी पीते हैं तो इससे आपके ढेरों रोग गायब हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे रोग जिनसे आजकल हर व्यक्ति परेशान है, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि अजवाइन का पानी पीने से कैसे हमारे रोग दूर होते हैं। दोस्तों अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है। जब आप खाली पेट अजवाइन का पानी पीते हैं और अजवाइन खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होने से खाना बॉडी में अच्छे से पचेगा, जिससे बॉडी को और ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी, जिससे आपकी बॉडी में से आलसपन दूर होगा। इसके अलावा वजन को कम करने में ये पानी बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप अजवाइन का पानी हर रोज पीकर देखिए। 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज को अगर जड़ से खत्म करना है तो अजवाइन का पानी पीजिए। दरअसल दोस्तों डायबिटीज हमारे हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होती है। अजवाइन का पानी पीने से आपके पैनक्रियाज को ताकत मिलेगी, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाएगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने से डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा थायराइड की बीमारी को भी आप अजवाइन के पानी से ठीक कर सकते हैं। पेट में किसी तरह की इन्फेक्शन हो, गैस हो, एसिडिटी हो या फिर पेट में कीड़े हो, तो अजवाइन का पानी बहुत ही अच्छा है। अजवाइन का पानी गैस को दूर करता है और गैस दूर होने से हमारी बॉडी से दर्द गायब हो जाता है, यानी कि अजवाइन का पानी वात नाशक भी है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वात बढ़ता है तो हमारे पेट में गैस बढ़ती है। पेट में गैस बढ़ने से ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है और जहां पर भी ये गैस ठहरती है वहां पर दर्द होता है। अगर आपकी बाजू में दर्द है तो मतलब आपकी बाजू में वात बढ़ चुका है। अब अगर आपको वात को बैलेंस करना है तो भी आपके लिए अजवाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि अजवाइन हमारे गैस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। साथ ही साथ अगर आप सुबह पानी में थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च मिला लेते हैं तो ये आपके लिए उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काली मिर्च और काला नमक अगर अजवाइन के पानी में डालकर पिया जाए तो ये हमारी गैस की प्रॉब्लम को चुटकियों में खत्म करता है। दोस्तों अजवाइन का पानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बॉडी में एसिडिटी बढ़ने से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और अगर इस एसिडिटी को कम किया जाए तो खून को पतला किया जा सकता है, जिससे आपको किडनी स्टोन्स में और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में ही मदद मिलेगी। इसके अलावा अजवाइन का पानी दिल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप हर रोज अजवाइन का पानी पीते हैं तो आपकी हार्ट ब्लॉकेज खत्म होगी और आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचाव मिलेगा। तो दोस्तों अजवाइन एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में सिर्फ एक चीज के जरिए ही 100 बीमारियों को खत्म कर लिया जाता है, लेकिन आजकल की मेडिकल साइंस में एक बीमारी के लिए 100 दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि आजकल बीमारियों का इलाज जड़ से नहीं किया जाता, बीमारियों को सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज हो जाए तो आपको आजकल इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपका खून पतला हो जाए, लेकिन आप ही बताइए कि क्या यह सोल्यूशन ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस तरह से खून को पतला करने से प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और हार्ट ब्लॉकेज कुछ सालों बाद फिर से आ जाती है। अगर आप दिल की नाड़ियों में स्टंट डालते हैं तो आप सोचिए कि क्या कभी स्टंट डालने से इंसान की हार्ट ब्लॉकेज ठीक हुई? बिल्कुल नहीं होती, कुछ सालों बाद आपको फिर से स्टंट डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप हार्ट ब्लॉकेज को आयुर्वेदिक तरीके से खत्म करते हैं तो आपको स्टंट डलवाने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों बाईपास सर्जरी हो, स्टंट हो, दिल की कोई भी ऐसा इलाज हो जो आजकल किया जाता है, वो परमानेंट नहीं है।
आजकल तो दिल ही चेंज कर दिया जाता है। तो अगर आप अपना पैसा और अपने शरीर को बचाना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक तरीके से ही अपनी बीमारियों का इलाज करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ भी रहे और बीमारियों का इलाज भी जड़ से हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सिर दर्द होने पर हमें डॉक्टर कौन सी दवाई देता है? जाहिर है पेन किलर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये पेन किलर करते क्या है? दोस्तों, पेन किलर लेने से हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। सिर दर्द वही का वही है, बस पेन किलर लेने से आपको सिर दर्द महसूस नहीं हो रहा। आपको पता है कि इससे होगा क्या? समय बीतने के साथ साथ यही सिर दर्द माइग्रेन बन जाएगा, यही सिर दर्द आपके लिए बड़ी बीमारी बन जाएगा। इसी तरह से ही आजकल छोटी बीमारी को बड़ा बना दिया जाता है। बीमारी को अगर जड़ से सही किया जाए तो एक नहीं 100 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, पित्त दोष को सही करने से आपके हार्मोन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, बीमारी को ठीक करना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक पेड़ की जड़ में खाद डालना। अगर आप पेड़ पर कितना भी स्प्रे करते रहें, अगर आप उसकी जड़ में खाद नहीं डालेंगे तो वो पेड़ अच्छे से ग्रो ही नहीं करता। उसी तरह से ही हर बीमारी का इलाज जड़ से होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पित्त दोष से हमें बीमारियां होती हैं और इस दोष को बैलेंस कैसे किया जाए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का फायदा हो। शेयर करना फ्री है, आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे क्लिक करें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।